बीते कल ही आपने खबर देखी थी कि एनआईए की टीम ने मनोरमा देवी के आवास पर छापेमारी की थी और करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। और इसी बीच अब जेडीयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी का इसी नोट बरामदगी को लेकर बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो कह रही है कि ये पैसे बैंक से लोन लेकर रखे गए थे। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या कह रही है मनोरमा देवी, आइए आपको सुनाते हैं। जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के यहाँ कल सुबह 6 बजे से हुई छापेमारी लगभग 20 घंटे तक चली। इस दौरान एनआईए की टीम के द्वारा घर की पूरी तलाशी ली गई। तलाशी के बाद एनआईए के द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें घर से 4,03,00,000 रुपए बरामदगी की बात बताई गई। साथ ही विभिन्न बोर के 10 हथियार के भी बरामद होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल दस्तावेज बरामद होने की भी जानकारी दी गई। एनआईए के द्वारा यह बताया गया कि साल 2023 इसके अगस्त माह में औरंगाबाद जिले में 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई थी। उनसे मिले इनपुट के आधार पर उस समय 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। तब से यह तहकीकात चल रही थी। इसी क्रम में मनोरमा देवी के गया में 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। शहर के एपी कॉलोनी स्थित उनके आवास से उक्त बरामदगी की गई है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं छापेमारी समाप्त होने के बाद पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी मीडिया के सामने आई और उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि अचानक एनआईए की टीम के अधिकारी आ पहुंचे और तलाशी लेने लगे। हम लोगों ने उनका पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि जो रुपए छापेमारी के दौरान जब्त किए गए हैं, वे बैंक से लोन लिए गए थे, उसका पूरा हिसाब किताब है। एनआईए की टीम आपके यहाँ छापेमारी की थी? हमको तो कुछ मालूम भी नहीं था। एनआईए की टीम सुबह 6 बजे सुबह में मेरे यहाँ छापेमारी हुआ है। ठीक, एनआईए ने क्या क्या बरामद किया वो, जैसा कि अभी तक पूरे 5 जगह बता कर जो टीम था, ऑफिसर लोग थे, जो भी पेपर मांगे मेरे पास सब पेपर मौजूद था। सारा पेपर हम उनको दिए कि हम राजनीतिक भी करते हैं, मेरा बिजनेस भी चलता है, मेरा होटल भी है, मेरा ठेकेदारी भी है। सारा पेपर हम मीडिया का भाई उनको हम एक एक पेपर दिए। अभी आपने एक विज्ञप्ति जारी की थी, आपने लिखा हुआ, उसमें लिखा है आपने कि पैसे की जो है वो बैंक से लोन लिया गया है, तो वो कितने पैसे उन लोगों ने देखा या जो पाया? भी पैसा है सब मेरे पास, सब सारा डॉक्यूमेंट्स है। और जो लेबर वर्क के देने के लिए साइट पर जो ठेकेदारी में होता है उसके लिए रखे हुए थे। कितने थे वो, अमाउंट कितने होंगे? नहीं अभी वो हमको बताया नहीं, वो खुद ही अपना जोड़े हैं, हमको नहीं बताया। किसी को हिरासत में भी लिया गया है? जी नहीं। कुछ हथियार की बात थी कि जो ऐसा लिखा है कि निजी गार्डों का था, तो वो क्या निजी गार्ड? ऐसा कुछ नहीं था। वो पूछे कि किनका है, तो सब मेरे पास सारा चीज सब सही था, तो ऐसा कोई बात नहीं। किसी सीजर लिस्ट पर साइन किया है कि नहीं? जी सीजर लिस्ट पर कोई साइन किया है कि नहीं? क्या सीजर लिस्ट पर साइन किया है कि नहीं? जब्ती सूची पर। हाँ, वही जो पेपर वगैरह लिए ले गए हैं तो उसी में हम साइन किए हैं। जो पेपर पढ़ के तो जो पेपर का वो मांग किए कि क्या चीज का पेपर है, वो क्या चीज का है, सारा कहाँ कहाँ आपका बिजनेस चलता है, कहाँ कहाँ क्या है, तो सब चीज का बस वही। बाकी उनको पूरा कोऑपरेशन किए हैं। नहीं, हमारा कहना है कि जो जब्ती सूची बना है उस पर आपने सिग्नेचर किया है कि नहीं? हाँ, हम उस पर किए हैं। तो उस जब्ती सूची पर आपने नहीं पढ़ा क्या क्या लिखा है, उन्होंने कितना पैसा बरामद, कितना हथियार? नहीं, वैसे हम मतलब वैसा पैसा के बारे में उसमें ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कि वो तो बोले कि आप इस पर मैडम साइन कर दीजिए, तो हम फिर हम साइन कर दीजिए। इस दुर्गा पूजा न्यूज UNI लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना एड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।